अच्छा बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आज दो क्वेश्चंस के बारे में समझाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 5 का नंबर 5 एंड नंबर 6, ठीक है। तो हम लोग का जो रूल था, रूल के हिसाब से मैंने इसको किया है, तुम लोग को अभी समझा दूंगी, तुम लोग भी कर सकते हो जिसको प्रॉब्लम है। रूल के हिसाब से क्या था, जो मिडिल टर्म था वो पहले हमें देखना था। इसमें 4 टर्म्स है, लेकिन मिडिल टर्म हमेशा सेकेंड वाला ही कंसिडर होगा। तो सेकेंड वाला जो मिडिल टर्म है उसमें क्या है, 1 है, ठीक है। हम लोग को पहला और लास्ट देखना है, पहले में भी 1 है, लास्ट में भी 1 है, उसको मल्टीप्लाई करना है। 1 × 1 हमें कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। और 1 के प्राइम फैक्टर सिर्फ 1 ही हो सकते हैं और अलग कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए हमें पहला फैक्टर कितना मिला, x प्लस 1। लेकिन हमें ये देखना है कि x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0 लिखेंगे। इस पॉलिनोमियल में x प्लस 1 इक्वल टू अगर 0 लिखा तो x का वैल्यू कितना आएगा, माइनस 1। ये कैसे आया, ऑलरेडी मैंने पहले के वीडियोस में समझाया है, फिर से नहीं समझाऊंगी। माइनस 1 मिला तो माइनस 1 को हम लोग x के जगह पर पुट करेंगे। पुट करने के बाद अगर आंसर 0 आया, इसका मतलब है x प्लस 1 इसका फैक्टर है। अगर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। यहां पर 0 आया है, इसका मतलब फैक्टर है। अब बच्चों देखो, ये जो नेक्स्ट है x प्लस 1 फैक्टर जो हमें मिला है, हमें इसको डिवाइड करना है, ठीक है। हमें इसको डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद हमें ये देखना है कि हमें कोशेंट कितना मिला है। तो देखो बच्चों, यहां पर हमें कोशेंट मिला है x स्क्वायर प्लस 1, ये मिला है। अगर ये तो दो पार्ट में ही डिवाइडेड है, अगर 3 पार्ट में डिवाइडेड होता तो हमें उसको फिर से फैक्टराइज करना पड़ता, गुणनखंड करना पड़ता। इसमें तो सिर्फ 2 ही पार्ट है तो इसका गुणनखंड नहीं करना है, डायरेक्टली इसको एक फैक्टर बना देना है। डायरेक्टली हम ये बता सकते हैं कि ये वाला जो है ये इसका, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। इसका मतलब है नंबर 6 में हमें फैक्टर्स क्या क्या मिले हैं, पहले x प्लस 1 मिला था और क्या मिला है, x स्क्वायर प्लस 1। अगर ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होता तो उसको हम लोग को फैक्टराइज करना पड़ता फिर से, और उसके बाद फैक्टर्स निकालना पड़ता। ये ऑलरेडी 2 पार्ट में ही डिवाइडेड है, इसीलिए इसको हम लोग डायरेक्टली इस पॉलिनोमियल का फैक्टर बता सकते हैं, क्योंकि हमें रिमाइंडर 0 मिला है, ठीक है। तो ये दोनों ही इसका फैक्टर होगा। इसको अपने कॉपी में कर लेना जिन बच्चों ने नहीं किया है।